हेलो स्टूडेंट्स, आप क्लास 12th। टुडेस माय वीडियो लेक्चर वी डिस्क्राइब द प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम कोलाइडल सॉल्यूशन के प्यूरिफिकेशन को डिस्क्राइब करेंगे कि कोलाइडल सॉल्यूशन को हम कैसे प्यूरिफाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो है कोलाइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई करने के लिए हम स्टूडेंट्स सीआरटी के टॉपिक्स को टच करेंगे। जैसे आप यहाँ वर्ड्स कुछ देख रहे हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशंस व्हेन प्रिपेयर्ड जनरली कंटेन एक्सेस अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो स्टूडेंट्स, कोलाइडल सॉल्यूशन जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट की एफिशिएंसी होती है एंड सम अदर सॉल्युबल इम्प्योरिटी, और उसमें कुछ सॉल्युबल इम्प्योरिटी भी होते हैं। While the presence of trace of electrolytes is essential for the stability of colloidal solution, लेकिन स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि colloidal solution की स्टेबिलिटी के लिए क्या है कि ट्रेस इलेक्ट्रोलाइट, कुछ इलेक्ट्रोलाइट की क्वान्टिटी बहुत ही इसेंशियल होता है। लार्जर क्वान्टिटी कोएगुलेट इट, और अगर एक इलेक्ट्रोलाइट की क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा हो तो यह जो है colloidal solution को कोएगुलेट करता है। Therefore, necessary to reduce the concentration of these solvable impurity to a requisite minimum, the process used for reducing the amount of impurity to a requisite minimum is known as purification of colloidal solutions. तो स्टूडेंट्स, ये पॉइंट जो यहाँ फोकस किया जा रहा है कि द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी टू ए रिक्विसाइट्स मिनिमम इज नोन एज प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, द प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज कैरीड आउट बाय द फॉलोइंग मेथड्स। कोलाइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई करने के लिए हम फॉलोइंग मेथड यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट इसमें आप देखेंगे डायलिसिस, फर्स्ट पॉइंट है डायलिसिस। डायलिसिस वर्ड स्टूडेंट्स आप ये जैसे जानते हैं कि नाम सुने होंगे कि ये डायलिसिस, जैसे आप ये जानते हैं कि जैसे ह्यूमंस का किडनी ख़राब हो जाता है तो इसके लिए ब्लड को प्यूरीफाई करने के लिए डायलिसिस किया जाता है। और ये किडनी जो है वर्क करता है ब्लड में जो इम्प्योरिटी होती है, इलेक्ट्रोलाइट की इम्प्योरिटी, शुगर की इम्प्योरिटी, साल्ट की इम्प्योरिटी, तो ब्लड टाइप ऑफ कोलाइड्स है। तो इस कोलाइड में जो सॉल्युबल इम्प्योरिटी होती है तो किडनी क्या करता है, उस सॉल्युबल इम्प्योरिटी को रिमूव करता है। तो उसी तरह से हम कोलाइडल सॉल्यूशन में, जैसे हमने कोई कोलाइडल सॉल्यूशन लिया, ठीक है, अगर कोलाइडल सॉल्यूशन जैसे हमने लिया कोलाइडल, अब इस कोलाइड में कोई जो है क्रिस्टलाइड कोई प्रेजेंट है, ठीक है, कोलाइड में क्या प्रेजेंट है, क्रिस्टलाइड्स। तो इस क्रिस्टलाइड्स को कोलाइड से रिमूव करना, इसी को हम कहते हैं डायलिसिस, डायलिसिस। तो स्टूडेंट्स, ये डायलिसिस जो है टू टाइप होता है, जिससे हम लोग कहते हैं सिंपल डायलिसिस, और सेकेंड होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक। तो सिंपल डायलिसिस में क्या करते हैं कि जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास जो है ईयर एक बॉटल्स, एक ये एसपीएम होता है, एसपीएम सेमी परवे मेम्ब्रेंस, और इसमें कोई कोलाइड पार्टिकल ऐसे फिल कर दिया गया है, क्लियर। और इस कोलाइड पार्टिकल में क्या है कि क्रिस्टलाइड्स प्रेजेंट है, ठीक। इस क्रिस्टलाइड्स को हमको जो है रिमूव करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस कोलाइड को एक वाटर टैंक लेंगे, इस वाटर टैंक में इस कोलाइड को रख देंगे, ठीक। वाटर क्या होगा, इस कोलाइड में एंट्री करेगा, और कोलाइड में जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, क्रिस्टलाइड प्रेजेंट है, वाटर में सॉल्युबल प्रेजेंट है, वाटर सॉल्युबल हो जाएगा। इसके बाद इस मेम्ब्रेन को
जो यह डायलाइजिंग मेम्ब्रेन है, एसटीएम क्या इसको कहते हैं, डायलाइजिंग मेम्ब्रेन। अब इस पूरे मेम्ब्रेन को हम क्या करेंगे, वाटर से बाहर करेंगे। जब इसको हम बाहर करते हैं वाटर से बाहर, तो ऐसे कंडीशन में वाटर में सॉल्युबल इम्प्योरिटी डायलाइजिंग मेम्ब्रेन से ये फिल्टर होकर ड्राफ्ट हो जाता है टैंक में, और इस डायलाइजिंग मेम्ब्रेन्स में हमें प्योर क्लोराइड ऑब्टेन होता है। दैट इज सिंपल प्रोसेस। इसको आप एनसीईआरटी भी आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी में यहाँ फोकस किया गया है, जो आप यहाँ फिगर देख रहे हैं। तो फिगर में क्या आप देख रहे हैं कि ये आपका एक डायलाइजिंग मेम्ब्रेन्स है, ओके, डायलाइजिंग मेम्ब्रेन्स है, क्लियर। और इसमें आपके जो है कि कोलाइड पार्टिकल्स हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, जो आपके कोलाइडल पार्टिकल यहाँ शो किया जा रहा है। और इसमें क्या है आपका कुछ जो है सॉल्ट पार्टिकल्स, क्लियर। तो डायलाइजिंग मेम्ब्रेन को वाटर टैंक में रखेंगे, यहाँ वहाँ से वाटर पास करेंगे, वाटर इसमें एंट्री करेगा, और एंट्री करने के बाद वाटर में सॉल्युबल पार्टिकल्स होंगे, वो पार्टिकल वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे, और ये वाटर के साथ क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो इस तरह से इस क्रिस्टलाइट्स को हम कोलाइड से रिमूव करते हैं, दैट इज डायलिसिस। तो डायलिसिस को आप यहाँ जो है डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ डिजॉल्विंग सब्सटेंसेस फ्रॉम ए कोलाइडर सॉल्यूशन बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू ए सूटेबल मेम्ब्रेन्स, दैट इज डायलिसिस। द डायलिसिस को हम यह भी कर सकते हैं टू सेपरेट क्रिस्टलाइट पार्टिकल्स फ्रॉम कोलाइडर पार्टिकल्स, दैट इज डायलिसिस, ओके। और डायलिसिस में हम सेकेंड डायलिसिस देखते हैं, इलेक्ट्रो डायलिसिस। तो इलेक्ट्रो डायलिसिस में स्टूडेंट साहब यहाँ एक दिया गया है, तो जिस तरह से डायलिसिस आपने देखा, अगर वही डायलिसिस हम जो है इलेक्ट्रिक के प्रेंस में कराते हैं तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रो डायलिसिस। जैसे इसमें आपने देखा कि इसके पहले जो फिगर था उसमें डायलिसिस मेम्ब्रेन भी था, एक स्लाइड्स हैं, और इसमें ये जो है सॉल्ट पार्टिकल कोलाइडर पार्टिकल है, क्लियर। तो इसमें क्या है कि यहाँ आपके जो है ये कैथोड लगाया गया है नेगेटिव, और ये जो है पॉजिटिव एनोड लगाया गया है, क्लियर। और इसमें जब इलेक्ट्रिक पास करेंगे तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि इस कोलाइडल सॉल में जो आयंस होंगे वो आयंस अपने अपोजिट पोल की तरह मूव करेंगे। इसमें जितने निगेटिव आयंस हैं वह निगेटिव आयंस मूव करेंगे तरफ, और जो पॉजिटिव आयन होगा यह मूव करेगा कैथोड तरफ। तो ऐसे इस तरह से जो है यह निगेटिव जो है मूव कर गया एनोड्स, और पॉजिटिव मूव कर गया जो है कैथोड। तो ऐसे कंडीशन में यह इसमें जो भी क्रिस्टलाइट्स हैं, आयोनाइज है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो ये सब जो है रिमूव होकर वाटर में आ जाएंगे, और ये जो है आपका कोलाइड्स प्यूरिफाई हो जाता है। तो कोलाइडर पार्टिकल्स यहाँ जैसे आप देख रहे हैं, जो यहाँ शो किया जा रहा है कि कोलाइडर पार्टिकल को इलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में अगर जो है प्योरीफाई करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोडायलिसिस, क्लियर। इसके बाद हम एक थर्ड पॉइंट लेते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है स्टूडेंट्स, कि ये भी आपका जो है कोलाइडल पार्टिकल को सेपरेट करने का है, जिससे कोलाइडल पार्टिकल को हम प्योरीफाई करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड्स में आप यहाँ जो पॉइंट आप देख रहे हैं, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है क्या, चलिए इसको हम एनसीईआरटी पॉइंट को फोकस कर देते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कोलाइडल पार्टिकल फ्रॉम द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द कोलाइडल सॉल्यूशन बाय स्पेशल प्रिपेयर्ड फिल्टर व्हिच आर परमिएबल टू ऑल सब्सटेंसेस इस कोलाइडल पार्टिकल। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं कि स्पेशल फिल्टर होता है, उस फिल्टर से केवल कोलाइडल पार्टिकल को छोड़कर उसके बाद इतने पार्टिकल्स हैं सभी पार्टिकल को जो है ये फिल्टर करके आउट करते हैं, क्लियर। तो कोलाइडल पार्टिकल्स कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बिकॉज द पोर्स आर टू लार्ज, हाउएवर द पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर कैन बी रिड्यूस इन साइज बाई इम्प्रेडिंग विथ
कोलाइडल सोल्यूशन टू स्टॉप द फ्लो ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। इस तरह से ये कोलाइडल पार्टिकल जो है आर्टनी फिल्ट पेपर से जो है पास होता है, लेकिन इसमें क्या है कि पोर इतने इस्तेमाल हो जाते हैं कि कोलाइडल पार्टिकल्स में पास नहीं होते हैं। क्लियर। द यूजुअल कोलाइडियंस इज 4% सोल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज इज ए मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड ईथर। तो ये जो कोलोडियन होता है ये एक्चुअली 4% सोल्यूशन होता है नाइट्रोसेलुलोज का, क्लियर, एंड एल्कोहल का एंड ईथर का मिक्सचर होता है। एंड अल्ट्रा फिल्टर पेपर्स में बी प्रिपेयर्ड मे बी प्रिपेयर्ड बाई सोकिंग द फिल्टर पेपर इन कोलोडियन सोल्यूशन, हार्डनिंग बाई फॉर्मल्डिहाइड एंड देन फाइनली ड्राइंग इट। इसको फॉर्मल्डिहाइड से जो हार्डनिंग करने के बाद ड्राई कर लेते हैं। दस बाई यूजिंग अल्ट्रा फिल्टर पेपर द कोलाइडल पार्टिकल आर सेपरेटेड फ्राम रेस्ट द मटेरियल। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज ए स्लो प्रोसेस, ये स्लो प्रोसेस है। टू स्पीड अप द प्रोसेस प्रेशर आर सक्शन इज अप्लाइड। अगर हमको प्रोसेस को फास्ट करना है तो ऐसे कंडीशन में प्रेशर सक्शन अप्लाई करते हैं। द कोलाइडल पार्टिकल्स लेफ्ट ऑन द अल्ट्रा फिल्टर पेपर आर द स्टायर्ड विथ फ्रेश डिस्पर्सन मीडियम टू गेट ए प्योर कोलाइडल सोल्यूशन। इस तरह से स्टूडेंट्स जो है हमने कोलाइडल पार्टिकल को कोलाइडल सोल्यूशन को प्यूरीफाई करने के लिए हमने 3 मेथड देखा, दैट इज डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड अल्ट्राफिल्ट्रेशन। सो स्टूडेंट्स टुडेज इन वीडियो लेक्चर सो मच, सो नेक्स्ट टॉपिक्स वी डिस्क्राइब इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। सो थैंक्स।